हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं धीरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करता हूं एज यूजुअल इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, अमेजिंग सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। माय फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए क्या मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों तक जा रही है। विशाल राज जी, राधे राधे, अभिजीत सिन्हा जी, तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी कहाँ खराब थी पागल, मैं कल बाहर था एक्चुअली थोड़ा, है ना। सर आपकी तबीयत? अरे मेरी तबीयत ठीक है यार, तबीयत कहाँ खराब है मेरी, बोलिए। मैं ठीक ठाक हूँ यार। संध्या सिंह जी, संध्या शाह जी, ओके, गुड आफ्टरनून मैम। चलो गुड आफ्टरनून प्रियम जी, भैया जी, छपरा धरती से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। चलो मैं लाइव हूँ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लासेस शायद रिकॉर्डेड थी, वो एक्चुअली कल मैं थोड़ा बाहर था मैं, है ना, तो इसलिए कल रिकॉर्डेड क्लास दिया गया था आपको, है ना। जिसे मतलब क्या था ना यार, आपका क्लास मिस ना हो कहने का आशय ये है, ठीक है। मतलब मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट आपका क्लास है, तो मैंने कहा चलो यार चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का सेशन 90 है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ बिहार को मैं टारगेट कर रहा हूँ 3 महीने से। देखो 90 क्लास, आज का 90 नंबर क्लास है, आप सोच सकते हो। मतलब आज पार्ट 90 है, वाव यार रेली, 10 दिन बाद हम लोग 100 मार देंगे। आफ्टर 10 डेज दोस्तों हम लोग 100 मारने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, गले में तो प्रॉब्लम थी, गले में तो टॉन्सिल बढ़ाता है ना, टॉन्सिल एक्चुअली बढ़ाता है गले में, है ना, वो प्रॉब्लम थी, बट अब सही है, कोई इशू नहीं है, है ना, बट अब सही है मेरे भाई। धन्यवाद, अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना केयर किया, इतना पूछा आप लोगों ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन सामने है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, जितने लोग क्लास यहां पर अटेंड करें सभी लोग आंसर दें। तो पहला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन इज कॉमनली यूज्ड टू स्टार्ट द प्रोग्राम और ओपन अ फाइल? आपको बताना है दोस्तों, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, इनमें से किस माउस क्रिया का उपयोग आमतौर पर प्रोग्राम शुरू करने या फाइल खोलने के लिए किया जाता है? आंसर दीजिए आप लोग, जितने लोग क्लास यहां पर अटेंड कर रहे हैं। इसमें से पूछा गया आप लोगों से दोस्तों कि आपको बताना है किस माउस क्रिया का उपयोग प्रोग्राम को खोलने, प्रोग्राम को शुरू करने या खोलने के लिए आम तौर पर किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? सभी लोग आंसर दें दोस्तों, जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं। सर हां सर, रिकॉर्डेड क्लास ही पता चल गया था जॉली जी को। अच्छा रिकॉर्डेड, अच्छा है, रिवाइज हो जाता है, एटलीस्ट 2 क्लास रिकॉर्डेड ही वीक में प्लीज। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच पूनम मैम। एक्चुअली देखो है क्या ना, एक्चुअली दोस्तों ये है, जैसे मान लीजिए अब भाई लगातार क्लासेस हो रही है, कहीं बाहर जाना पड़ा, कहीं कुछ मान लीजिए हेल्थ इशू भी मान लीजिए हो गया, तो आपकी क्लास मिस ना हो कहने का सही है, तो पहले से रिकॉर्ड करके हम दे देते हैं, चलो आपकी क्लास मिस ना हो, ठीक है। देखो दोस्तों आपको पता है माउस का प्रयोग करते हैं हम लोग, और किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए तो डबल क्लिक का यूज करते हैं, डबल क्लिक का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डबल क्लिक का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से किस माउस क्रिया का उपयोग आमतौर पर आप प्रोग्राम शुरू करने के लिए या फाइल खोलने के लिए करते हो? तो आप डबल क्लिक का यूज करते हो, तो उसे फाइल आपका जो होता है, लेफ्ट क्लिक से तो आप सेलेक्ट करोगे, है ना, लेफ्ट क्लिक से तो आप सेलेक्ट करोगे, बोलो राइट क्लिक से आप उसकी प्रॉपर्टी को चेक करोगे, आप उसकी प्रॉपर्टी को चेक करोगे, प्रॉपर्टी को चेक करोगे, राइट क्लिक से आप प्रॉपर्टी को चेक करोगे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप तो अलग चीज हो गया, ड्रैग करना और ड्रॉप करना, ठीक है। सर आप कल नहीं थे तो सब बहुत बदमाशी, अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए चलिए आगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड एज पर्सनल कंप्यूटर पेरिफेरल और जनरल कंट्रोल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ हैंडहेल्ड स्टिक दैट रोटेट्स अराउंड द बेस एंड मूव्स द स्क्रीन कर्सर अराउंड? मतलब इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किसी पर्सनल कंप्यूटर पेरिफेरल या सामान्य नियंत्रण उपकरण के रूप में किया जाता है, जिसमें एक हाथ में पकड़ी गई स्टिक होती है और आधार के चारों ओर घूमती है, स्क्रीन कर्सर को चारों ओर घूमती है वो। मतलब जैसे हम लोग गाड़ी फोर व्हीलर चलाते हैं, उसमें देखा होगा गाड़ी का गियर होता है, गियर, तो गियर क्या आगे पीछे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगाते ना क्या गाड़ी का गियर, तो वैसे ही डिवाइस है, उसको हम लोग जॉयस्टिक बोलते हैं। बेसिकली इतना तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग गेम खेलने में करते हैं, आपको पता होगा इसका प्रयोग हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं, है ना, बोलो
बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया कंचन जी, बहुत बढ़िया अभिजीत सिन्हा मेरे भाई, गजब क्या बात है, बहुत बढ़िया अमेजिंग। सोनम भारती जी, अलका जी एंड कुमारी सृष्टि जी, लोकुश सिंह जी, अर्चना कुमारी जी, बहुत सभी लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, रियली अमेजिंग माई फ्रेंड। तो अब माइक्रोफोन क्या होता है, अब मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप तो स्पीकर के माध्यम से सुन रहे हो, लेकिन बोल तो मैं माइक के माध्यम से रहा हूं भाई, मैं जो बोल रहा हूं तो माइक के माध्यम से बोल रहा हूं ना, माइक्रोफोन। MICR आपको पता है बैंक में यूज होता है, बैंक में चेक्स होते हैं उन पर यूज, उनमें यूज होता है, 9 डिजिट का कोड होता है, 3-3 के डिजिट में डिवाइड होता है, मतलब 3 डिजिट, पहला 3 डिजिट बैंक सिटी कोड को रिप्रेजेंट करता है, अगला 3 डिजिट बैंक कोड को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट 3 डिजिट जो होता है वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करता है। MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, वो इनपुट डिवाइस होता है, बायोमेट्रिक भी इनपुट डिवाइस होता है। तो सारे हमारे इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर हो जाएगा हमारा वो जॉयस्टिक हो जाएगा, जो कि पॉपुलर है गेमिंग डिवाइस में यूज करते हैं, ठीक है। व्हिच अदर फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एक्टिवेट द इमोजी पेन इन जीमेल व्हाइल कंपोजिंग एन ईमेल। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है, सभी लोग आंसर देंगे जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एक्टिवेट द इमोजी पेन इन जीमेल व्हाइल कंपोजिंग एन ईमेल। ईमेल को कंपोज करते समय जीमेल में इमोजी पेन को सक्रिय करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का आप यूज करते हो? Which of the following keyboard shortcut is used to activate the emoji pen in Gmail while composing an email? Shift 2 will be correct answer. Control Shift 2 will be correct answer. कंट्रोल सी टू विल बी करेक्ट। वाओ अमेजिंग, क्या बात है, ए होगा या सी? ए नहीं, सी होगा भाई, सी होगा, स्किप कर दे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड यूजिंग द हेडर एंड फुटर विंडो इन पावरपॉइंट 365। आपको बताना इनमें से हेडर फुटर में क्या शामिल नहीं होता। एमएस पावरपॉइंट 365 में हेडर या फुटर विंडो का उपयोग करके इनमें से किसे सम्मिलित नहीं किया सकता है? देखो आपको बता दें जानकारी के लिए, है ना, हेडर और फुटर कहां पे आता है दोस्तों? तो हेडर और फुटर जो होता है, हेडर और फुटर जो होता है दोस्तों, है ना, ये आता कहां पर है? तो हेडर फुटर जो आता है वो आपका इंसर्ट में आता है ना, वो कहां आता है दोस्तों? इंसर्ट में आता है, ध्यान दीजिएगा, वो इंसर्ट में आता है। तो आप डेट और टाइम कर सकते हो, स्लाइड नंबर कर सकते हो, फुटर कर सकते हो, मीडिया नहीं कर सकते हो आप, मीडिया ऐड नहीं कर सकते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप मीडिया ऐड नहीं कर सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी आप सारा कर सकते हो दोस्तों, है ना। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया आपसे कि क्या आप नहीं कर सकते हो, तो आप मीडिया नहीं कर सकते हो, बाकी आप दोस्तों सारा कर सकते हो, ठीक है। यहां पर कोई समस्या तो नहीं दोस्तों आपको, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलो अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में दोस्तों इंसर्ट फंक्शन विकल्प का आप अगर चयन करना चाहते हो और फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो आप क्या करोगे? अगर आप फंक्शन को दोस्तों इंसर्ट करना चाहते हो तो आप फटाफट बताइए आप लोग, आप क्या करोगे यहां पे? देखिए, अगर आप फंक्शन को इंसर्ट करना चाहोगे ना दोस्तों, आप यहां पे यूज करोगे, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आप यूज करोगे एफएक्स, एफएक्स यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे? एफएक्स यूज करोगे आप, है ना, ये एफएक्स होता है, आपने देखा होगा, जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं,
है ना। देखो आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्सेल का सीट होता है, आपने देखा होगा सीट होता है आपका, ये सीट होता है ना, ये सीट होता है, ठीक है। इसे आप सेल बोलते हो, इसे आप सेल बोलते हो, यहां फंक्शन होता है, उसी के बगल में एफ एक्स होता है, एफ एक्स फंक्शन, तो उसी को बोला गया, उसी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन विंडोज ओएस इफ द स्क्रीन ऑफ विंडोज इज मैक्सिमाइज, द मैक्सिमाइज बटन विल बी टॉप टेम्पररी रिप्लेस्ड बाई द व्हिच बटन। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपसे, विंडोज ओएस में यदि किसी विंडो की स्क्रीन को बड़ा किया जा सकता है तो मैक्सिमाइज बटन को अस्थायी रूप से किस बटन से बदल दिया जाता है। तो आप किस बटन से बदल सकते हो, मैक्सिमाइज बटन को आप किस बटन से बदल सकते हो, इसका आंसर दीजिएगा। ये होता कहां पर है, देखा होगा आप लोगों ने, ये हमारा पूरा विंडो स्क्रीन है, यहां पे देखा होगा राइट कॉर्नर पे, राइट साइड में यहां पे कंट्रोल बटन होता है, यहां पे कंट्रोल बटन होता है, आपने देखा होगा यहां पे कंट्रोल बटन होता है, यहां पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज, यहां पे आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर और क्लोज होता है, इसे कंट्रोल बटन बोलते हैं। तो बोला गया मैक्सिमाइज को आप किसके माध्यम से रिप्लेस कर सकते हो, तो आप रिस्टोर से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब रिस्टोर मैक्सिमाइज, रिस्टोर मैक्सिमाइज। वाव प्रियंका यादव जी अमेजिंग, बाकी लोगों का गलत आंसर दिख रहा है मुझे, पहला आंसर सही हो जाएगा, रिस्टोर से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लैपटॉप अगर यूज कर रहे हो सिस्टम, तो आप कोई विंडो ओपन, ब्राउजर ही ओपन कर लो आप, देखो कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो आप, तो उस प्रोग्राम को कट करने का ऑप्शन नहीं होता, क्रॉस क्रॉस होता है कट करने का, विंडो को छोटा बड़ा करने का, रिस्टोर मतलब टास्क बार पे लाने का, टास्क बार पे लाने का, है ना। तो चेक कर लो, यहां पे कंट्रोल बटन में ऑप्शन अवेलेबल होता है, टाइटल बार पे होता है राइट कॉर्नर पे, ठीक है, रिस्टोर से आप कर सकते हो, वेरी गुड। इन जीमेल व्हिच ऑप्शन हैज टू बी क्लिक्ड टू रिप्लाई टू सिंगल ईमेल और द लास्ट ईमेल इन द थ्रेड। जैसे आपके पास किसी ने मेल भेजा है, जीमेल भेजा है, तो बहुत लोगों ने भेजा है, लेकिन आप किसी सिंगल व्यक्ति को रिप्लाई करना, सिंगल व्यक्ति को आप रिस्पॉन्स करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे बताइए। ग्रुप में शेयर किया हूं, हाँ यार लिंक को ना शेयर कर दो आप लोग, देखो आज काफी 50 लोग क्लास कर रहे हैं, मैं चाहता हूं 100 लोग, जैसे जैसे एग्जाम का डेट टाइम आ रहा है नजदीक, तो उसे लोग भागते जा रहे हैं। अरे क्यों भैया, स्टार्टिंग बहुत जोश था, अरे एग्जाम आ गया, मतलब अब तो फॉर्म आ गया, फॉर्म ने भरा, हम लोगों ने उखाड़ के फेंक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हैं, और अब तो डेट आने वाला है एग्जाम का मार्च में, तो भैया बताइए फटाफट आप लोग क्या कर रहे हैं, तो बोलो लोगों को पढ़ाई करने के लिए हमसे जरूरी यहाँ पर जुड़े हैं। कंप्यूटर की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो आपको पता है स्टेनोग्राफर में 25-20 नंबर और क्लर्क में कोऑर्डिनेटर 15-15 नंबर आपका आने वाला है ना, तो वो जो है आपका तो वो होता है, तो इसलिए भैया सभी लोग जो है, तो भैया ध्यान दीजिएगा आप लोग जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं, मेरा कहने का आशय ये है कि आप रेगुलर क्लास का, तो रेगुलर पढ़ाई रहा हूं मैं ना, है ना, तो इसलिए रिप्लाई मतलब इंडिविजुअल किसी को रिप्लाई करोगे आप। देखो फॉरवर्ड का मतलब होता है वही मैसेज किसी को और फॉरवर्ड कर दो, फॉरवर्ड ऑल का मतलब काफी लोगों को फॉरवर्ड कर दो, रिप्लाई ऑल का मतलब जैसे आपको मैंने और 3-4 लोगों ने मैसेज भेजा है, तो आप सबको रिप्लाई कर दो, लेकिन आपको रिप्लाई मुझे केवल करना है, तो रिप्लाई करोगे आप मुझे, रिप्लाई ऑल का मतलब जितने लोगों ने रिप्लाई मैसेज किया सबको रिप्लाई कर दोगे आप, रिप्लाई ऑल का मतलब होता है, ठीक है, ये होता है। चलो कोई बात नहीं है, चलिए शेयर करने वाली है आज नहीं आई इसलिए, प्रियंका जो करिए शेयर करने, अरे यार मतलब क्या ही, मतलब आप नहीं शेयर कर सकती हो, मतलब ये क्या आप बोल रहे हो, है क्या ही बोले मतलब। चलो वेब ब्राउजर्स स्टोर द यूआरएल्स यू विजिट मोस्ट ऑफन एंड दैट हेल्प्स यू गो डायरेक्टली टू आर वेब पेजेस फ्रॉम अ लिस्ट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द यूआरएल मल्टीपल टाइम्स, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर यू टॉकिंग अबाउट द लिस्ट। अच्छा प्रश्न है, मतलब वेब ब्राउजर उस यूआरएल को संग्रहित करते हैं जिसे आप सर्वाधिक बार देखते हैं, और जो आपको बहुधा यूआरएल टाइप करने के बजाय किसी लिस्ट से सीधे वेब पेज पर जाने में मदद करता है, उस लिस्ट के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं, उस लिस्ट को आप क्या बोलते हो। हाँ, उस लिस्ट को आप दोस्तों क्या बोलते हो, इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा, उस लिस्ट को आप क्या बोलते हो।
देखो आपको पता है जो मैं बार बार विजिट कर रहा हूं, मैं बार बार मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं, बार बार ओपन करना चाह रहा हूं, तो उससे बुकमार्क ऑप्शन आता है। ये बुकमार्क क्या होता है दोस्तों, आपको पता है बुकमार्क करने के शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ डी लगाते हो आप, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देते हो तो बुकमार्क का शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल डी, है ना। तो यहां पे क्या बोला गया कि अगर हमें क्विक एक्सेस करना है, अगर क्विक जंप करना है हमको, क्विक जंप करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बुकमार्क का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। Which of the following is not a Linux distribution? आपको बताना है इनमें से Linux distribution नहीं है कौन सा Linux का distribution नहीं है, मतलब Linux कह सकते हो version नहीं, एक प्रकार से कह सकते हो आप, कौन सा Linux का version नहीं है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। देखो दोस्तों हनीकॉम जो होता है ये एंड्रॉयड का होता है, ये एंड्रॉयड का होता है ना कि लिनक्स का होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया होगा। जो हनीकॉम होता है दोस्तों किसका होता है, एंड्रॉयड का होता है ना कि लिनक्स का होता है। और लिनक्स क्या होता है दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, लिनक्स जो होता है वो ओपन सोर्स ओएस कहलाता है, है ना। लिनक्स जो होता है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है जो लिनक्स होता है ना, ओपन सोर्स ओएस कहते हैं। हनीकॉम जो होता है वो एंड्रॉयड का वर्जन होता है। आपने देखा होगा कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगेट, ओरियो पाई, स्नोकॉर्न, सारे हमारे एंड्रॉयड के होते हैं, बाकी ऊपर हमारा सारा लिनक्स का होता है। Which of the following types of mouse use laser rays to move the cursor on the computer screen? कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की गतिविधि के लिए इनमें से किस प्रकार के माउस लेजर किरणों का उपयोग करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। हाँ, एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स है, बिल्कुल। गले में कुछ प्रॉब्लम ही है लग रहा है आपको। चलो देखो दोस्तों, यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, जितने लोग क्लास अटेंड करें ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल माउस जो होता है ये ऐसा माउस होता है जो लेजर पे काम करता है, ये लेजर पे काम करता है, जो ऑप्टिकल माउस है दोस्तों ये किस पर काम करता है, लेजर पर काम करता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, इसे हम बोलते हैं लेजर माउस। ठीक है, चलिए। In Windows to run a program or application you can double click on. दोस्तों Windows या program या application चलाने के लिए आप किस पर double click कर सकते हो? System file, executable file, file, object file. तो बोला गया है आपसे, प्रश्न पूछा गया है कि आपको बताना है, okay? विंडोज में प्रोग्राम या एप्लीकेशन चलाने के लिए डबल क्लिक किया जा सकता है, तो भैया एग्जीक्यूटेबल फाइल पर डबल क्लिक किया जा सकता है। ओके, अंजलि सिंह जी काफी लेट में आ रही मैम, क्यों भाई, कहां थी? पेनल्टी आप पे लगेगा, पक्का जान लीजिए फिर आप, हैं, पेनल्टी विल बी इंपोज्ड ऑन यू। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .exe नाम का बनता है, .exe नाम का बनता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन विच ग्रुप ऑफ होम टैब इन सेल मार्जिन्स ऑप्शन अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 365? एमएस एक्सेल 365 में बोला गया है कि होम टैब में किस ग्रुप में सेल मार्जिन विकल्प उपलब्ध होता है, आपको बताना है दोस्तों। यहां पे सेल मार्जिन जो आपका MS Excel 365 में होम टैब के किस ग्रुप में सेल मार्जिन विकल्प उपलब्ध होता है?
ओके ठीक है गुरुजी, एग्जाम कब तक हो? अरे एग्जाम का अब क्या ही बोले यार। ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बोला गया मैंने, इन विच ग्रुप ऑफ द होम टैब इज द सेल मार्जिन्स ऑप्शन, तो अलाइनमेंट में होता है दोस्तों, आपको पता होगा वो अलाइनमेंट में होता है ना, अलाइनमेंट विल बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल, जितने लोग क्लास डी आंसर डी दे रहे हैं, डी विल बी करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, इन एमएस पावरपॉइंट 365 व्हाट इज द हाईएस्ट जूम वैल्यू इन द जूम डायलॉग बॉक्स, जूम डायलॉग बॉक्स में मैक्सिमम जूम कितना होता है एमएस पावरपॉइंट 365 क्या होता है, वर्जन होता है दोस्तों आपका, ये आपका एक क्लाउड वाला होता है ना, क्लाउड वाला मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो हम क्लाउड यूज करते हैं, क्लाउड पर है ना ऑनलाइन यूज करते हैं। ठीक है चलिए, लाइक की संख्या बहुत कम है भाई, लाइक वाइक करते चलो यार। देखो अगर ये पावर पॉइंट हो, ये मैंने बहुत बार बता रखा है, अगर आपका पावर पॉइंट हो या उसके साथ साथ दोस्तों आपका एक्सेल हो, तो दोनों में आपका क्या होता है, मिनिमम आपका होता है कितना, मैक्सिमम कितना होता है 400% होता है, और मिनिमम जो होता है 10% होता है ना, तो आंसर 4% यहां पे आंसर हो जाएगा। केवल वर्ड ऐसा है जिसमें मैक्सिमम आपका 500% होता है, 500% होता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा है ना। चलिए ठीक है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विच कैन कंटेन टेक्स्ट ग्राफिक साउंड मूवी हाइपरलिंक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। आपको बताना है दोस्तों, जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को बताना है कि जो एमएस पावर पॉइंट होता है, हाँ जी आसान है यार, इसको तो बता ही सकते हो आप लोग, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में व्यक्तिगत का एक संग्रह है जिसमें टेक्स्ट ग्राफिक्स ध्वनि मूवी हाइपरलिंक और अन्य ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। देखो भाई आपको पता है जो भी काम आप करते हो स्लाइड पे करते हो, अगर स्लाइड ना हो तो स्लाइड पे आप मूवी भी इंसर्ट कर सकते हो, इमेज भी इंसर्ट करते हो, टेक्स्ट भी इंसर्ट करते हो, स्लाइड की कलेक्शन को क्या बोलते हो आप, कलेक्शन ऑफ स्लाइड से तो आपका पीपीटी बनता है, पावर पॉइंट पूरा बनता है, स्लाइड बनता है, मतलब पूरा प्रेजेंटेशन बनता है। भाई ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं एक पूरा क्लास डिस्कस कर रहा हूं, तो क्लास से मैंने पीपीटी बना रखा है, तो अलग अलग स्लाइड है ना, तो हम पावर पॉइंट में स्लाइड पर ही तो काम करते हैं मेरे भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स द कम्युनिकेशन बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू प्लेस पावर इन द हैंड्स ऑफ सिटीजंस टू डिटरमाइन व्हाट लॉज नीड टू बी मेड एंड हाउ दीज लॉज शुड बी रिटर्न, मतलब इनमें से किसका संदर्भ नागरिकों के हाथों में सत्ता सौंपने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा संचार से है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस कानूनों को बनाने की आवश्यकता है और किस कानूनों को कैसे लिखा जा सकता है। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं। Which of the following refers the communication by electronic means to place power in the hands of citizens to determine what laws need to be made and उसे बोलते हैं e-governance. E-governance मतलब electronic governance. देखो सबका आंसर यहाँ पे सही है. E-governance will be correct answer. बहुत बढ़िया. क्या बात है? Amazing. E-governance will be correct answer, my dear friends. अगला प्रश्न है. Which of the following key will be used when you want to switch off the pen, laser pointer or highlighter and use the mouse button during a presentation of MS PowerPoint 365? मतलब जब आप MS PowerPoint 365 में presentation के दौरान pen, laser या pointer या highlighter को बंद करना चाहते हैं, तो आप mouse button का उपयोग करना चाहते हैं, इनमें से किस कुंजी का उपयोग करेंगे आप? मतलब इन सारी चीजों को दोस्तों अगर आप बंद करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? फटाफट आंसर दीजिएगा यहाँ पे, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, और आंसर सभी लोगों को देना मैंडेटरी है ना। कोई बात नहीं, आपको पता होगा दोस्तों, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमको पीछे जाना है, स्किप करना है, तो हम लोग ESC प्रेस करते हैं, और ESC मतलब क्या होता है दोस्तों, स्किप हो जाता है ना, तो किस कुंजी से हम स्किप करते हैं दोस्तों, स्किप मतलब पीछे,
तो ESC का प्रेस करते हैं और हम पीछे कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां कोई समस्या तो नहीं है ना? चलो, whichever following allow users to follow a path to other pages or sites on the web, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से किस कौन सा विकल्प ऐसा है जो यूजर्स को, उपयोगकर्ताओं को वेब पर अन्य पेजों या साइटों के किसी पथ का अनुसरण करने की अनुमति देता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, मतलब अलग अलग तरीके से, ठीक है। देखो, देखो, उसे तो हाइपरलिंक कहते हैं मेरे भाई। हाइपरलिंक मतलब एक पाथ की, पथ की बात कर रहा है वो। जैसे आपने कोई लिंक ओपन किया, अब उसके अंदर एक लिंक दिख गया आपको, फिर आप उस पर क्लिक करके आप मतलब कहीं और जा, मतलब कहने का हाइपरलिंक उसे बोलते हो आप। और वर्ड में हाइपरलिंक करने का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में के होता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार बताया है। वर्ड में कंट्रोल के यूज करते हो हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल प्लस के यूज करते हो किस चीज के लिए, हाइपरलिंक के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसका मतलब आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड बाय विंडोज OS? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कौन सा विंडोज OS द्वारा समर्थित पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। विंडोज OS सपोर्ट करता है और एक पोर्टेबल फाइल फॉर्मेट है उसकी बात कर रहा है। अंजलि सिंह जी, सिद्धांत चौबे जी, वेरी गुड अर्चना, सबका आंसर यहां पे आ रहा है। प्रीसियस कमेंट्स, प्रीसियस रिस्पॉन्स सभी लोगों के आ रहे हैं। देखिए, इनमें से कौन सा विंडोज OS द्वारा समर्थित पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जो PNG होता है दोस्तों, इसे हम पोर्टेबल नेटवर्क, नाम ही से पता है इसका, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ये होता है। ये PDF तो अलग होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये तो अलग होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की बात कर रहा है ये, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अलग PDF है। बोला गया इनमें से कौन सा विंडोज OS द्वारा, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। नेटवर्क ग्राफिक्स तो भैया पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स तो PNG होता है भाई, PNG तो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोल रहा है ना वो भाई। जो आप देखते होंगे आपके पास जो फाइलें कभी शेयर की जाती हैं नेटवर्क पर ट्रेवल भेजी जाती हैं और मतलब इंटरनेट के माध्यम से चीजें शेयर की जाती है, तो वहां पे जो आपका फाइल फॉर्मेट होता है वो PNG बनता है। पोर्टेबल मतलब इजीली वो पोर्ट, मतलब इजीली ट्रांसफरेबल है, इजीली वो मतलब इजीली आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, कहने का एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क मतलब नेटवर्क पर, ग्राफिक्स मतलब इमेज फाइल्स भाई, नेटवर्क मतलब नेटवर्क पर, ग्राफिक्स मतलब इमेज फाइल है ना। Which other following is an intermediate system software through which programmers convert high-level language programming code into machine language code? मतलब एक ऐसा system software tool है, system software है जो high-level language को machine language में translate करने काम करता है, उसका मतलब बताइए कौन है वो, कौन सा software है वो? रिहान प्रकाश जी गुराव, ओके अभी आप आ रहे हो, अभी इतना टाइम, इतना लेट, इतना हाफ एन आवर हो गया क्लास का तभी आप आ रहे हो, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। गुड्डी जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते सभी लोग, नमस्ते हैं, ठीक है, चलिए सभी लोग लाइक कर देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। 60+ लोग क्लास कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किया लोगों ने, एटलीस्ट लाइक कर देंगे तो थोड़ा हमको भी अंदर से है ना फीलिंग आएगी अच्छी वाली। तो भैया एक इंटरमीडिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मतलब इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच में होता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर बीच में होता है भाई। आपको हिंदी नहीं समझ में आता, मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो हम लोगों को आपस में बात करना है, कन्वर्सेशन करना है, तो उसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, हिंदी मतलब यहां पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने काम करता है। अब देखो ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, तो लगा बता दें आपको यहां पे, हम देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक तो असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, और एक कंपाइलर होता है। असेंबलर
लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ये क्या करता है, ये जो लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने काम करता है, मतलब एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। ये मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा को। लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, और ये होल प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, होल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर। तो कंपाइलर एक साथ सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर। ठीक है, तो यहां पे एक बार कर दो, तो लाइक क्यों चाहिए, तो मत करो मेरे भाई, आप मत करना है ना, चलो ठीक है। लाइक क्यों चाहिए मतलब नहीं है, मैटर ये करता कि अगर आपको पसंद नहीं लाइक करना तो मत करिए आप, और जिनको पसंद है वो लोग कर दे, है ना। आपको क्लास क्यों चाहिए मेरी, आपको ये मेरा कंटेंट क्यों चाहिए, बोलो भाई है? ये प्रश्न कोई मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है क्या आपका है? चलिए ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे दोस्तों। जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, न्यू स्लाइड्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन व्हिच ग्रुप ऑफ होम टैब इन एमएस पावरपॉइंट 365। आपको बताना है एमएस पावरपॉइंट 365 में होम टैब में किस समूह में नया स्लाइड जो है अवेलेबल होता है, नया स्लाइड। चलो देखो दोस्तों, स्लाइड वो ऑप्शन होता है जहां पे न्यू स्लाइड दिखता है आपको स्लाइड, और वैसे भी मैं आपको बता दूं न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की जो होता है, ये मैंने कई बार बताया भी होगा आपको, वो कंट्रोल के साथ में एम होता है, कंट्रोल साथ में एम प्रेस करते हो तो न्यू स्लाइड को आप, ठीक है ओके तो कंट्रोल के साथ में दोस्तों, ठीक है एम होता है स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन व्हिच इज यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट इज अवेलेबल इन व्हिच टैब मेनू एमएस वर्ड 365। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन जिसका उपयोग किसी चीज को रेखा खींचकर पार करने के लिए किया जाता है एमएस वर्ड 365 में किस टैब में उपलब्ध है। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए धीरेन्द्र, मैंने अपना नाम लिखा यहां पे धीरेन्द्र है ना, अब धीरेन्द्र नाम लिखा मैंने यहां पे अपना और इसको बीच से लाइन खींच दिया, उसे बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं है ना ठीक है, तो ये तो होम में होता है ना मेरे भाई, भाई होम में देखो, होम में आपका एक ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, देखा होगा आप लोगों ने, होम बाय डिफॉल्ट होम ऑप्शन होता है, उसमें एक फॉन्ट नाम का ग्रुप होता है, फॉन्ट नाम के ग्रुप में दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, वहीं पे सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है, वहीं पे सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, वहीं पे दोस्तों आपका स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आता है, तो आप बीच में से क्या करते हो लाइन खींचते हो, वो स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। आप चेक करना आपके एमएस वर्ड में, जब आप ओपन करोगे होम पे जाओगे फॉन्ट टैब, होम टैब मेनू में फॉन्ट ग्रुप होता है, उस पर देखना स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए और भी क्वेश्चन, और क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे लगा इतना ही है लेकिन कुछ क्वेश्चन, चूंकि समय अपने पास है तो समय है तो और क्वेश्चन ले लिया जाए है ना। बताइए कि इन द MICR कोड लाइन स्ट्रक्चर व्हाट डू रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन थ्री डिजिट्स ऑफ द शॉर्ट फील्ड नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 9 डिजिट्स। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप लोगों से,
जितने लोग क्लास करें, MICR कोड लाइन स्ट्रक्चर में 9 डिजिट वाले शॉर्ट फील्ड नंबर के पहले 3 अंक क्या दर्शाते हैं? जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं सभी लोग फटाफट आंसर दें, है ना। आपको बताना है जो हमारा MICR होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, याद होगा अगर आपको, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना। तो उसमें 3-3 का डिजिट होता है, 9 डिजिट टोटल होता है, 3-3 का डिजिट होता है, मैंने बताया था। तो पहला 3 डिजिट, अगला 3 डिजिट और अगला 3 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो पहला 3 डिजिट होता है, मैंने बहुत बार बता रखा है, वो सिटी को रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट बैंक को रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, गलत मत करो मेरे भाई। तो यहां पे आंसर हमारा सिटी हो जाएगा, सिटी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, गलत मत करो मेरे भाई, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, ओके। ये तो मैंने कई बार बताया है W3C का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है कि WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब और C मतलब कंसोर्टियम, तो W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है या कंसोर्टियम बोलते हो, तो मैंने कई बार बता रखा है आप लोग, ठीक है। नाउ अ डेज विशिंग हैज बिकम अ क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ अ यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आजकल विशिंग निम्नलिखित में से किस पर सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करना एक आपराधिक प्रथा बन गया है, मतलब विशिंग एक साइबर क्राइम बन चुका है, इसका मतलब क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग साइट, मोबाइल फोन, ईमेल या साइबर इस कैफे, आंसर क्या हो जाएगा? देखो मंजू कौशिक जी, वाह क्या बात है, आप अभी आ रही हो क्या, काफी टाइम बाद दिखाई दे रही हो आप। देखो मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया आप लोगों को, किसी क्लास में समझाया था। देखो एक्चुअली फिशिंग क्या होता है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि आपसे डेटा चोरी करने का एक तरीका है आपको, लेकिन पता ना चले कि आपको गुमराह करके, आपको लालच देकर आपसे डेटा ले लिया जाए, आपको पता भी नहीं चले। जैसे मछली लोग पकड़ने जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए खाने पीने की डाल देते हैं, बेचारी खाने चक्कर में आती ही पकड़ी जाती है मछली। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे फिशिंग की बात करी जा रही है। फिशिंग क्या होता है कि आपको जाल में फंसाने का तरीका होता है। अब फिशिंग बहुत टाइप के होते हैं, तो उसमें एक विशिंग होता है। विशिंग मतलब वॉइस के थ्रू फिशिंग करना, वॉइस के थ्रू फिशिंग करना मतलब कि आपके पास कॉल करके आपसे डेटा चोरी करना। जैसे मान लीजिए आप हमारी आवाज को पहचान रहे हो, मतलब मेरी आवाज को आप पहचान रहे हो, तो मैं आपके पास कॉल करता हूं, तो आप जान जाते हो धीरेन्द्र सर है, लेकिन और आप मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आप मुझसे बता सकते हो, अगर पूछूंगा मैं तो, मेरी आवाज में किसी और ने कॉल किया और सारा डेटा ले लिया, आपने तो मुझे समझ के दिया बट कोई और ले गया, तो वो मोबाइल फोन के थ्रू आपका होता है, ये कहलाता है विशिंग या वॉइस फिशिंग, ठीक है, ठीक है ना। कोई समस्या तो नहीं किसी को, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो? विशिंग मतलब मोबाइल कॉल के थ्रू आपका डेटा आपसे एक्सेस करना, ठीक है। Which of the following is correct definition of digital divide? Digital divide का correct definition क्या है? Digital divide का correct definition क्या है? कौन बताएगा? चलो पढ़कर बताइए आप लोग फटाफट। जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं सभी लोग बताएं डिजिटल डिवाइड का मतलब दोस्तों क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों एक ऐसी खाई, मतलब कहते ना एक ऐसी खाई है दो लोगों के बीच, एक ऐसी खाई है जो एक व्यक्ति व्यक्ति जानता हो एक व्यक्ति ना जानता हो। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब अ गैप बिटवीन पीपल हैविंग एक्सेस टू इंटरनेट आईटी और नो इंटरनेट आईटी, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछो क्यों? एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट चलाना जानता हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हो, कंप्यूटर के बारे में जानता हो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बिल्कुल ना जानता हो, तो उन दोनों के बीच जो खाई है वो डिजिटल। देखो एक व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है, वेल एजुकेटेड है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, बट उसको डिजिटली नॉलेज ही नहीं है कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर के बारे में, तो उसको कहा जाएगा डिजिटल इलिटरेट बोला जाएगा। पढ़ा लिखा तो है, लिटरेट तो है, बट डिजिटली वो इलिटरेट है, नॉट अ लिटरेट है। तो ऐसे व्यक्ति जो डिजिटल लिटरेट है और ऐसा व्यक्ति जो डिजिटल इलिटरेट है उसके बीच में जो गैप है वो डिजिटल डिवाइड कहलाता है, ठीक है, ठीक है। चलो इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा, दिए गए विकल्प में कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, कौन बताएगा? जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं सभी लोग फटाफट आंसर दें, कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? हाँ इलिटरेसी, बिल्कुल।
देखो आप जितने लोग क्लास कर रहे हो आप सभी लोग एडुकेटेड भी हो और साथ साथ डिजिटल लिटरेट भी हो, तभी आप क्लास यहां पे कर पा रहे हो। ठीक है, कोबोल कोई लैंग्वेज नहीं होता है बल्कि कोबोल होता है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, कई बार एक्सप्लेन किया है। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जावा भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन जो हमारा कोबोल होता है कोई लैंग्वेज नहीं बल्कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होता है, ये बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया लैंग्वेज था, कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया लैंग्वेज था। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है, दिए गए विकल्प में सही स्टेटमेंट कौन सा है। सभी लोग आंसर दें, जितने लोग यहां पे प्रेजेंट है माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर प्रेजेंट हियर, काइंडली पार्टिसिपेट करें यहां पे। बहुत बढ़िया, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब। देखो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। दिए गए विकल्प में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो दोस्तों यहां पे सही है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, सर सभी लोग कहां से आंसर आ रहा है, सर 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट के होता है सर सही स्टेटमेंट है ना। ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है डिटेल में, तो मुझे लगता है आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई का नाम तो बिट होता है ना, बिट मतलब बाइनरी डिजिट होता है, बिट मतलब बाइनरी डिजिट होता है, बिट होता है ना। उसके आगे फिर बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, डोटाबाइट, ब्रोटोबाइट, जियोबाइट, सारा सीरीज होता है। मैंने कई बार बताया भी है और एक क्लास मैंने शाम को पढ़ाया है, शाम को 4:30 बजे अपने चैनल पे स्टडी विद धीरेन सर वाले चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा, उससे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है मेमोरी यूनिट के बारे में। What kind of software would you most likely use to keep track of the billing account? अच्छा प्रश्न है। बिलिंग खाते पर नजर रखने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग करेंगे? बिलिंग अकाउंट पे नजर रखने के लिए आप इनमें से किस जो है सबसे ज्यादा आप किसका जो है प्रयोग करेंगे, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? तो देखो सीधी बात है सर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं उसे हम लोग, इसे हम लोग एक्सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम जानते हैं, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे किसी कोई समस्या तो नहीं है। चलो वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड, वीडियो को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, वीडियो को हम किस नाम से जानते हैं बताइए फटाफट। वीडियो तो फुल फॉर्म की अगर बात करें दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे से पता है, वीडियो का फुल फॉर्म जो होता है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है ना। और दोस्तों ये जो होता है स्क्रीन मॉनिटर दोनों होता है, तो बोथ ए भी हमारा आंसर हो जाएगा, स्क्रीन और मॉनिटर दोनों होता है तो बोथ ए भी यहां पर आंसर हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोबोल इज वाइडली यूज इन द एप्लीकेशन, कोबोल का व्यापक रूप से कहां प्रयोग हुआ, ये मैंने कई बार बताया आप लोगों को, कोबोल का व्यापक रूप से प्रयोग कहां हुआ दोस्तों, आंसर दीजिए फटाफट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया लैंग्वेज हमारा कोबोल है, और वहीं अगर फोर्ट्रान के बारे में बात करें, दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज था फोर्ट्रान, इसको हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी और मैथमेटिकल पर्पस के लिए भी यूज किया गया। तो अगर पूछा जाए फोर्ट्रान का यूज क्यों हुआ, फॉर्मूला सारे हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आप कहोगे सर फोर्ट्रान का यूज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का यूज साइंटिफिक पर्पस और मैथमेटिकल पर्पस के लिए हुआ, और वहीं कोबोल का प्रयोग कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका जो होता है कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अनवांटेड रिपीटेटियस मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज, बहुत अच्छा प्रश्न है। अवांछित दोहराव वाले संदेश जैसे अवांछित बल्क ईमेल के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर फटाफट दीजिएगा। देखो दोस्तों अनवांटेड रिपीटेटियस मैसेज जो आपका है वो स्पैम कहलाता है, और इसी को हम जंक मेल कहते हैं, हम लोग जंक ईमेल कहते हैं, जंक मेल के नाम से जानते हैं स्पैम,
अनवांटेड मेल या अनवांटेड मैसेज कहलाता है, जंक मेल कहलाता है, इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस, वायरस के समान होता है, सेल्फ खुद का कॉपी बनाता रहता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है प्रोग्राम, वाज टेकन फ्रॉम 1970s साइंस फिक्शन नोवेल बाय जॉन बुर्नर इंटाइटल्ड द शॉकवेव राइडर इज। एक व्यापक, एक वायरस के समान एक स्वप्रतिकृत कार्य प्रोग्राम जिसे जॉन बुर्नर द्वारा 1970 के दशक के विज्ञान कथा मतलब विज्ञान उपन्यास से लिया गया था, जिसका शीर्षक शॉकवेव राइडर है। देखो बग जो होगा तो एरर कहलाता है, हमारे कंप्यूटर में बग तो एरर कहलाता है, ये होगा नहीं, वाइस ये होगा नहीं, वार्म जो होता है ये राइट वंस रीड मेनी आंसर हो जाएगा, इसे हम राइट वंस रीड मेनी के नाम से जानते हैं, राइट वंस रीड मेनी के नाम से जानते हैं, हमारा वार्म विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बस कीजिए सर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन इज कैन, जो कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर लैन मतलब क्या कर सकता है, वो जो कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड होता है वो क्या कर सकता है, आंसर दीजिए। सर कल छुट्टी चाहिए, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन हाँ बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, आप चाहिए एंजॉय करिए, आप कौन मना कर रहा है आपको। चलिए आंसर जो हो जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, सी विल बी करेक्ट आंसर, है ना, सी विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, एक कैंपस में, एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में, घर में, आप जो लिमिटेड डिस्टेंस तक यूज करते हो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, पेरिफेरल डिवाइस को आप शेयर कर सकते हो, लाइक प्रिंटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, कट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कट के बारे में जो आप कट करते हो उसके बारे में कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है, सही नहीं है, उसके बारे में बताइए फटाफट। इंजॉय नहीं करना है, अरे पागल, हर एक मोमेंट को इंसान को इंजॉय करना चाहिए, इंजॉय का मतलब आप पूजा को सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेशन कहते ना, सेलिब्रेशन, हम पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आई मीन वर्शिप, जो हम लोग मतलब वो एक अपने घर पे प्रोग्राम रखे हम लोगों ने, कथा हम लोग सुन रहे हैं, है ना, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ और आप लोग बोल दोगे भाई, हम लोग जो है पढ़ाई को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग दोस्तों के साथ मतलब सेलिब्रेशन, लाइफ में सेलिब्रेशन होना चाहिए, आप ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो आप सेलिब्रेशन, है ना। चलो खैर, तो कट सी कंट्रोल सी का मतलब कॉपी होता है ना कि कट होता है, बाकी सारा सही है कट के बारे में, ये सारा सही है कट के बारे में। ठीक है, सारा सही कट के बारे में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बाकी सारा सही है, पहला यहां पर पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि वो कॉपी के बारे में क्या है, गलत है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए मेरा सेशन कैसा लगा आप लोगों को, जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना, प्रॉपर तरीके से चीज समझ में तो आया। हाँ नहीं तो यार, लोग अर्थ का अनर्थ बनाने में समय नहीं लगाते ना, इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है। ठीक है, क्या ठीक है, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखिए आप लोग, है ना भाई, कोई डाउट हो तो हमसे पूछते रहिए आप लोग, जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं बेहचक, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क योर क्वेरी, वट एवर, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, ऑल इशू, है ना। तो एक बार सिलेक्शन हो जाए तो एंजॉय कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है सिलेक्शन को एंजॉय करो, अभी पढ़ाई को एंजॉय करो, आप कौन मना कर रहा है आपको, है ना। बहुत अच्छा लगा सर, हम आज देखें आप लाइव, अच्छा लाइव क्लास क्या बात है, नहीं रेगुलर में 12 रेगुलर में इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करता हूँ, तो आप लोग रेगुलर टाइम पे आ जाया करो क्लास लेने के लिए। ठीक है, और बाकी मैं प्रयास करता हूँ कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दूँ, हमेशा कर प्रयास क्या देने का प्रयास करता ही रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स लॉट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स लॉट।